Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates, they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study, and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block, I would start block number 2. So you should just watch these videos videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. Welcome on Easy Learning. तो इस पार्ट में हम 4.8 से करने जा रहे हैं. इसमें है आपका सोशियो कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स इन असेसमेंट. कि असेसमेंट में जो सामाजिक या कल्चरल और एथनिक फैक्टर हैं वो कैसे काम करते हैं उनके ऊपर इसमें दे रखे हैं. तो कहते हैं रिसर्चर एंड क्लिनिशियंस मस्ट कीप सोशियो कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स इन माइंड. कहते हैं जितने भी रिसर्चर और क्लिनिशियन होते हैं वो अपने दिमाग में जो है सोशियो कल्चर और एथनिक फैक्टर को भी जरूर रखना चाहिए. व्हेन असेसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जब वो पर्सनैलिटी ट्रेट और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को असेस कर रहे होते हैं तो. व्हेन टेस्टिंग पीपल from other cultures, careful translations are essential to capture the meanings of the original items. कहते हैं अगर हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाके किसी चीज़ को एसेस करते हैं तो एक सही ट्रांसलेशन होना चाहिए या केयरफुल ट्रांसलेशन होना चाहिए. ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक कल्चर से जाके जब दूसरे उस कल्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो उस कल्चर में फिट बैठ रहा है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है, जिससे कि ओरिजिनल जो आइटम है उनके अर्थ को पता लगाया जा सके या कैप्चर किया जा सके. हाउएवर असेसमेंट टेक्निक्स दैट आर रिलायबल एंड वैलिड विद इन वन कल्चर मे नॉट बी सो इन अनदर इवन व्हेन दे आर ट्रांसलेटेड एक्यूरेटली. वही बात कहा गया है कि कहते हैं फिर भी वही बात जो मैंने ऊपर बताया उसी को थोड़ा और ब्रॉड करके इसने बताया है कि असेसमेंट टेक्निक जो होते हैं वो उतना ज़्यादा रिलायबल और वैलिड नहीं होते हैं विद इन वन कल्चर. और अगर इसको एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ले जाता है तो एक से नहीं होते हैं. मे नॉट बी सो इन अनदर व्हेन इवन दे आर ट्रांसलेटेड एक्यूरेटली. भले ही उसका मतलब हम ठीक ठीक निकालें, वही कह रहा है, लेकिन हर एक कल्चर में इसका मीनिंग जो है वो सेम नहीं मिल पाएगा. ठीक है, क्योंकि हर एक कल्चर में जो लोग रहते हैं अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं तो उनके हिसाब से उस तरीके की साइकोलॉजी तैयार हो जाती है. जैसे कि दे रखे हैं कि फॉर चाइनीज द चाइनीज वर्जन ऑफ बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री BDI, ए वाइडली यूज्ड इन्वेंट्री ऑफ डिप्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, हैज शोन गुड वैलिडिटी इन डिस्टिंग्विशिंग पीपल विद डिप्रेशन फ्रॉम पीपल विदाउट डिप्रेशन. कहते हैं एग्जांपल के लिए जो चाइनीज वर्जन है बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री की, इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो है वो इन्वेंट्री है जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्रेशन में जो है यूज़ किया जाता है. इसने एक अच्छा जो है वो वैलिडिटी दिखाया है और इन्होंने लोगों को अलग किया है ऐसे लोगों को जो जिनको डिप्रेशन था
और ऐसे लोगों से अलग किया है जिनको डिप्रेशन नहीं था। However, other investigators found that Chinese people in both Hong Kong and the People's Republic of China showed high levels of disturbed behavior when tested with a Chinese version of MMPI. कहते फिर भी और जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने पाया कि जो चाइनीज़ पीपल है दोनों ही हांगकॉन्ग और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में वह अपने डिस्टर्ब बिहेवियर की जो उच्च स्तर है उनको दिखाए हैं जब उनको चाइनीज़ वर्जन जो MMPI के है उनके साथ टेस्ट किया जाता है। तो व्हेन ए मोर केयरफुल एनालिसिस वाज डन इट सजेस्टेड दैट देयर टेस्ट रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्टेड कल्चरल डिफरेंसेस रादर देन ग्रेटर साइकोपैथोलॉजी। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा केयरफुल एनालिसिस जो है वो किया गया तो इस बात को सजेस्ट किया गया कि उनके जो टेस्ट रिस्पॉन्स है इन्होंने कल्चरल जो डिफरेंस है उनके ऊपर रिफ्लेक्ट किया है साइकोपैथोलॉजी की तुलना में, क्योंकि कल्चर के कारण ही जो है पीपल का जो थॉट होता है वो एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग होता है। तो इसलिए साइकोपैथोलॉजी की तुलना में जो है कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर कहते हैं ऐसे टेस्ट ने जोर डाला। In other words, researchers need to disentangle psychopathology from socio-cultural factors. कहते हैं रिसर्चर जो है उन्हें साइको सोशियो जो कल्चरल फैक्टर्स है उनसे साइकोपैथोलॉजी को सुलझाने की ज़रूरत है। क्या करना है? सुलझाने की ज़रूरत है। Translations of assessment instrument should not only translate words but also provide instructions that encourage examiners to address the importance of cultural beliefs, norms and values. So, diagnosticians and interviewers will consider the client's background when making assessment of abnormal behavior patterns. कहते हैं जब assessment instrument की translation होती है तो वो केवल उनको word के ऊपर भी translation नहीं करना चाहिए बल्कि उन सभी इंस्ट्रक्शन को भी प्रोवाइड करना चाहिए जो कि एग्जामिनर को इनक्रेज करते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जो कल्चरल बिलीफ है नॉर्म और वैल्यूज़ हैं उनकी महत्व को बताने के लिए एड्रेस करने के लिए। इसीलिए जो डायग्नोस्टिशियन है जो डायग्नोस्टिक के ऊपर काम करते हैं या इंटरव्यूअर्स होते हैं ठीक है वो क्लाइंट की बैकग्राउंड को जो है समझेंगे जब एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न को जो है असेसमेंट कर रहे होंगे तो व्हेन मेकिंग असेसमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स। अब आगे दे रखे हैं इसमें लेट अस सम अप जो अभी तक आपने चैप्टर में पढ़े हैं उसके ऊपर इसमें दे रखे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखे हैं। तो कहते हैं इसमें लेट अस सम अप में कि पीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच आर नो लेस कॉम्प्लेक्स देन पीपल देमसेल्व्स आर असेस्ड इन मेनी वेज। कहते हैं कि लोगों की जो साइकोलॉजिकल समस्या है विच आर नो लेस कॉम्प्लेक्स देन पीपल देमसेल्व्स जो कि लोगों की समस्या अपनी खुद की है और इससे कम कॉम्प्लेक्स नहीं है और इस समस्या को बहुत सारे तरीके से असेसमेंट की जाती है। क्लाइंट्स आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स एज बेस्ट दे कैन। क्लाइंट्स को कहा जाता है कि अपनी समस्या को जितना अच्छा से बता सके वो बताए। Psychologists can draw on batteries of tests that assess intelligence, personality and neuropsychological integrity. और साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं कि जो बैटरी की टेस्ट होती है उनका यूज कर सकते हैं जो कि इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी और न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के ऊपर काम करती है। मैनी साइकोलॉजिस्ट प्रेफर टू ऑब्जर्व पीपल्स बिहेवियर डायरेक्टली। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली तरीके से पीपल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड सेवरल मीन्स ऑफ स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। और आजकल की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके को अपनाए हैं जो कि ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम आती है। द मेथड्स ऑफ असेसमेंट क्लिनिशियंस सेलेक्ट reflect the problem of their clients, their theoretical orientation and their mastery of a specialized technologies. कहते हैं कि assessment जो clinicians की जो method होते हैं उसमें वो अपने client की जो problem होते हैं उनके ऊपर reflect करते हैं खास करके select करके
उनके थियोरेटिकल ओरिएंटेशन को और साथ में स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर कितनी महारत हासिल है उन सभी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। चलिए अब ग्लॉसरी को देखते हैं। ग्लॉसरी में सबसे पहले देखते हैं ये असेसमेंट क्या है। सब बता दिया गया है लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार आए होंगे इस चैप्टर में, तो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो जो असेसमेंट है आपका वो है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट और ए सब्जेक्ट। कहते हैं क्लाइंट या किसी विषय के ऊपर जो आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है उनका अर्थ अगर लगाते हैं या उनको कलेक्ट करने के जो प्रोसेस होते हैं उन्हीं को असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, ए मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट और रिसर्च रिजल्ट। कहते हैं टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बदले ना, जो है वही रहे, उनका मेजरमेंट या जो रिजल्ट दिया गया है रिसर्च करने के बाद उनकी मेजरमेंट। तीसरा जो है वो है आपका वैलिडिटी, द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट और स्टडीज रिजल्ट। मतलब जो भी टेस्ट किया गया है, स्टडी किया गया है, उसका जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी सच्चाई है, एक्यूरेसी है। दैट इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट और स्टडी एक्चुअली मेजर्स और शोज व्हाट इट क्लेम्स। कहने का मतलब है जिस हद तक टेस्ट या स्टडी किया गया वो वाकई में वही चीज़ बताती है जो चीज़ उसको बताना चाहिए, व्हाट इट क्लेम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो है ए सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं इनका एक सेट होता है डिजाइन टू रिवील द डिग्री एंड नेचर ऑफ क्लाइंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर। और इसको इस तरीके से बनाया जाता है जिससे क्लाइंट की जो एबनॉर्मल बिहेवियर होती है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है या नेचर है उनका जो स्तर है उनको रिवील करने के लिए। नेक्स्ट है बैटरी, ए सीरीज ऑफ टेस्ट ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। ये एक टेस्ट के ऐसे सीरीज होते हैं जिनमें से सभी जो है वो अलग अलग प्रकार के डेटा प्रोड्यूस करते हैं। के साथ ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस चैप्टर। आई ऑल्सो टेल यू दैट आई एक्सप्लेन टू माई ऑन लेवल, यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन मीनिंग, मेक आउट योर ऑन मीनिंग ऑफ द चैप्टर, बट आई ट्राई टू डू इट इन अ वेरी ईजी वे। मोस्ट ऑफ द वर्ड आई ट्राई टू जस्ट डू इट इन इंग्लिश सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम विदाउट एनी डिफिकल्टीज। सो फ्रेंड्स और the person who watched it, if you have liked this or such videos, you can share such videos to those who are in the need of our. By then, take care of yourself. Have a nice day.